कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने हाल ही में बिलासपुर में हुए रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं से भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। सुर्खियां बटोरने के लिए यह ड्रामा रचा गया था। उन्होंने कहा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा द्वारा बिलासपुर कॉलेज में करवाया गया रोजगार मेला महज दिखावा था। यहां पर युवाओं के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई है। मंगलवार को बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बंबर ठाकुर ने कहा, रोजगार मेले में जहां युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए के मासिक वेतन पर नौकरी मुहैया करवाई जा रही थी, वहीं गुजरात, बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी सहित अन्य राज्यों में महंगाई के इस दौरान ये वेतन नाकाफी था। यह तो युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक था। यदि वह जिला के बेरोजगार युवाओं के लिए इतने चिंतित हैं, तो रोजगार मेले में ACC, अल्ट्राटेक, NTPC, NHPC, फोर लेन रेलवे सहित अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर कार्य कर रही कंपनियों को बुलाते और अच्छे पैकेज पर नौजवान युवाओं को रोजगार दिलाते। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र हरीश नड्डा जी ने रोजगार मेले का आयोजन किया, जो कि 2003 से लेकर 2022 तक जो है नड्डा जी ने कोई रोजगार मेला नहीं यहाँ पे आयोजित किया। अच्छी बात है यदि किया, पर अच्छा होता कि वो ACC, NTPC, JP, अंबुजा, पार्वती, NHPC और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लगे हैं, उन कंपनियों को भी बुलाते हैं और बच्चों को अच्छे पैकेज में रोजगार देते हैं। ये केवल मात्र अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के बच्चे को 12 लाख रुपए का बात कह करके वो मेले को समाप्त कर दिया गया और हजारों बच्चे जो यहाँ पे रोजगार मेले में आए थे, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितनी बेरोजगारी फैली। और 8-10 हजार रुपये, 12 हजार रुपये बच्चे को कह रहे कि बेंगलोर में आ जाओ, बद्दी में आ जाओ और दिल्ली में और गुजरात में रोजगार पाने के लिए आ जाओ, तो नौजवानों के साथ जो है भद्दा मजाक है। अच्छा होता कि वो एम्स के अंदर रोजगार देते, एम्स में देते, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में देते, रेलवे में देते, फोर लेन में देते, तो यहाँ पर तो किसी को रोजगार नहीं दे पाए। और सरकारी क्षेत्र के अंदर सराज में और धर्मपुर में लोगों को रोजगार मिल रहा है, बिलासपुर के बच्चों को ड्राइविंग टेस्ट में, कंडक्टर के टेस्ट में फेल किया जा रहा है, सराज और धर्मपुर के बच्चे जो है पास हो रहे हैं, तो यहाँ सरकारी क्षेत्र के अंदर भी भेदभाव है। तो नड्डा जी से निवेदन है कि वो प्रदेश सरकार को निर्देश करें कि ऐसा भेदभाव जो है बिलासपुरियों के साथ ना हो, ऐसा भेदभाव बाकी जिले के लोगों के साथ ना हो, और ये रोजगार जो है सरकारी क्षेत्र के अंदर भी हो और गैर सरकारी क्षेत्र के अंदर हो तो अच्छे पैकेज पे हो, ये ड्रामाबाजी ये बच्चों के साथ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक, जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 9758059500 पर संपर्क या मैसेज करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।